तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं टॉप गेम्स लाइक माइनक्राफ्ट। तो यार जैसे कि आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट एक पेड गेम है, आपको प्ले स्टोर पर ये पेड गेम देखने को मिलती है। आपको अगर माइनक्राफ्ट खेलनी है तो आपको उसको पहले परचेस करना पड़ेगा। तो यार आज की वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ काफ़ी सारी गेम जो कि यार एकदम सिमिलर है माइनक्राफ्ट जैसे। अगर आप यार इन गेम को खेलोगे तो आपको यार टोटली माइनक्राफ्ट जैसी फील आएगी। माइनक्राफ्ट जैसा कंसेप्ट है, वहाँ पर भी आपको क्रिएटिविटी दिखानी होती है, वैसे ही सेम है आपको इन गेम में भी अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और अपना घर बनाना, सर्वाइव करना है। काफ़ी सिमिलर गेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप भी यार जानना चाहते हो वो कौन सी गेम्स हैं तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको यार इसी तरह की वीडियो चैनल पे मिलती रहती हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार हमारी जो पहली गेम है वो है लोकी क्राफ्ट। यार ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है माइनक्राफ्ट की। आपको जैसे कि पता हो गया यार माइनक्राफ्ट गेम एक पेड गेम है जो कि आपको यार प्ले स्टोर पर खरीदनी पड़ती है। अगर आप यार प्ले स्टोर से माइनक्राफ्ट गेम को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको यार परचेस करनी पड़ेगी पहले गेम। लेकिन गाइस यार माइनक्राफ्ट के भी काफ़ी सारे अल्टरनेटिव हैं जहाँ पर आप यार उन गेम को खेल के भी माइनक्राफ्ट गेम के मज़े ले सकते हो। तो यार उन्हीं में से हमारी एक गेम है जो कि है लोकी क्राफ्ट। यार ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है माइनक्राफ्ट की। तो यार ये गेम ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है माइनक्राफ्ट के। इसमें भी आपको यार सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आपको माइनक्राफ्ट में देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपकी ट्रीज़ वगैरह होगी, केव्स वगैरह होगी। केव्स में आपको आयरन मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, डायमंड मिलेगा, वही सेम चीज़ आपको यार इसमें भी देखने को मिलती है जहाँ पर आप यार इसमें अपना घर बना सकते हो। इसमें सर्वाइवल आपको करना पड़ता है, इसमें भी ज़ॉम्बीज़ आते हैं रात में, सेम प्रोसीजर है, कोई भी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें भी क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें सेम देखने को मिल जाती हैं जो कि यार माइनक्राफ्ट में। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो है इसके ग्राफिक्स में। यहाँ पर जो इसमें ग्राफिक्स दे रखे हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगते हैं, एकदम यार कार्टून जैसे आपको ग्राफिक्स इसमें देखने को मिलते हैं। यही थोड़ी मुझे इसमें कमी लगी। लेकिन यार ओवरऑल इस गेम का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है माइनक्राफ्ट से। यहाँ पर आपको सर्वाइवल करना है, अपने ज़ॉम्बीज़ को किल करना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे यार नेदर भी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यार आप नेदर में भी जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं नेदर में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको सब कुछ सेम देखने को मिलता है, ज़्यादातर सेम ही है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एकदम लावा वावा, नेदर राइट, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप यार इस गेम में पूरे मज़े ले पाओगे माइनक्राफ्ट की सब कुछ चीज़ें। मोस्टली आपको इसमें यार सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो आपको यार माइनक्राफ्ट में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, काफ़ी कमाल की गेम है यार। बस थोड़ा ग्राफिक का इशू है, बाकी यार ओवरऑल काफ़ी कमाल की गेम है। अगर आप चाहते हो माइनक्राफ्ट गेम को खेलना तो आप यार इस गेम को ट्राई कर सकते हो, आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है इस गेम में भी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। तो यार जैसे कि आपको पता होगा कि यार माइनक्राफ्ट में एक बैड वॉर्स का भी ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको यार चार टीमें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर आपको एक दूसरे के बैड को तोड़ना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, इस गेम में भी सेम आपको वही देखने को मिलता है। इस गेम का नाम यार बैड वॉर्स ही है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यार जिन लोगों को नहीं पता बैड वॉर्स क्या होती है माइनक्राफ्ट में, तो यार मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यार इसमें क्या होता है कि चार टीमें होती हैं, उसमें आपको एक दूसरे के बेड को तोड़ना पड़ता है और आपको अपने बेड को सेव करना होता है। सेम है इस गेम में भी आपको यही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है आपको डबल्स, यानी कि आप दो टीम के साथ खेल सकते हो, सोलो भी आप चाहो तो यार खेल सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन अब मिलता है वो है 4v4 का, मतलब यहाँ पर चार टीमें होंगी और चारों टीम में चार चार प्लेयर होंगे। मैं आपको खेल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है और आप कैसे खेलते हैं जिन लोगों को नहीं पता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी गेम यहाँ पे चालू हो चुकी है, ये हमारा बैड है, हमें ना इसको सेव करना होता है। और सामने और भी टीमें देखने को मिलेंगी। ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो चार टीमें होती हैं, एक येलो, रेड, ब्लू और ग्रीन। यहाँ पे सबके पास चार चार प्लेयर हैं, अभी कनेक्ट नहीं होंगे इसलिए उसमें 3x4 दिखा रहा है। अगर मैं आपको बताऊँ इस गेम में क्या होता है, जैसे कि ये एक शॉप है, यहाँ से आप चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, जैसे आपके टूल्स हो गए, आर्मर हो गया, वेपन्स हो गया, ब्लॉक वगैरह, यहाँ से आप परचेस करके अपने बेड को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे और यहाँ पे परचेस करने के लिए ये स्पॉनर है, यहाँ पर यार गोल्ड और आयरन ऊपर से गिरते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको इन सबको कलेक्ट करना है और अपनी आइटम परचेस करनी है। उसके बाद आपको सामने वाले टीम्स के बेड को जाके तोड़ना है और अपने बेड को प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो एक प्लेयर है वो ब्लॉक लगा रहा है उस पर। यहाँ पर मैं कोई सामान खरीद लेता हूँ, जैसे कि मैं ये वुडन खरीद लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फूल तो बहुत जल्दी टूट जाती है। और आपको यार अपने बेड को यहाँ से प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई भी आके ऐसे तोड़ ना पाए, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर देंगे।
और आपको जाके यार दूसरों के बैड को तोड़ना है, उस लड़ाई भी हो सकती है, तो आपको आर्मर वगैरह भी आप खरीद सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे सामान चाहिए, वो यहाँ पे आता रहेगा स्पॉनर में, यहाँ से आप कलेक्ट करो और वेपन वगैरह परचेस कर सकते हो। यहाँ पर आप यार चेस्ट में अपना सामान भी स्टोर करा सकते हो। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ से नीचे गिर जाते हो तो आपका सामान चला जाएगा और आप मर जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी टीम आगे गई है, ऐसी आपको जाना होता है बाकियों के बैट होने के लिए। अगर आप यार नीचे गिर के मर जाते हो या फिर आपको कोई मार देता है तो आप यार दोबारा स्पॉन हो जाओगे, लेकिन आपका जो सामान होगा वो सारा सामान आप लॉस्ट कर जाओगे, जितना भी आपका सामान होगा वो सब चला जाएगा। और यहाँ पे आप अपग्रेड भी कर सकते हो जो भी आपका सामान है, यहाँ पे आप इंचेंटमेंट भी लगा सकते हो, काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यार इस गेम में यही होता है कि आपको अपने बैड को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आप यार चारों तरफ ब्लॉक लगा सकते हो, और साथ ही साथ आपको अगर दूसरे लोगों को मारना होता है या फिर उनको रोकना होता है अपने बैड को तोड़ने से और उनके बैड को तोड़ना होता है। और जैसे यार लास्ट में जो टीम बचेगी जिसके बैड नहीं टूटा होगा वो टीम यहाँ पर विन कर जाएगी। और यार ये मल्टीप्लेयर गेम है जहाँ पर अपने सर्वर में आप कनेक्ट हो सकते हो, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। अगर हम यहाँ पे इस पर लॉबी की बात करें तो यहाँ पर आपको इनकी स्किन वगैरह भी देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो इनमें से यार कोई सा भी लगा सकते हो, काफ़ी कमाल की स्किन लग रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यार काफ़ी ज़्यादा कमाल की गेम है। अगर आप यार माइनक्राफ्ट में बैड वॉर्स खेलना चाहते हो तो आप यार इस गेम को ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कमाल की गेम है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। तो यार ये जो हमारी गेम है ये भी यार सिमिलर है बैड वॉर्स की तरह। इसमें क्या है, उसमें बैड वॉर्स है, ये एग वॉर्स है, ये भी आपको यार प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। आप तो आप यार सिंपली से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये गेम भी एकदम सिमिलर है बैड वॉर्स की तरह, उसमें आप बैड वॉर्स है, ये एग वॉर्स है। इसमें आपके पास यार एग होगा जिसको आपको प्रोटेक्ट करना होगा। मैं आपको यहाँ पर एक गेम खेल के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे यार देख सकते हो ये गेम भी यार बैड वॉर्स की तरह काफ़ी सिमिलर गेम है। इस गेम में यार यहाँ पे स्पॉनर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये ड्रैगन है, ये एक डायमंड का स्पॉनर है, यहाँ पे आपको डायमंड मिलेगा। ऐसे ही आपको यार आयरन और गोल्ड के स्पॉनर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको सामान, यहाँ पे देख सकते हो ये गोल्ड का स्पॉनर है, यहाँ पर आपको गोल्ड इंगेट मिलेंगे। और ऐसे ही आपको आयरन के भी दो तीन मिलते हैं, ये आयरन के हैं दोनों। और सामने आपको अपोनेंट के बेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको अपने अपोनेंट के एग को वहाँ से तोड़ना होता है, कलेक्ट करना होता है। वैसे आप कलेक्ट करोगे तो जो लास्ट में बचेगा जिसका एग, वो यहाँ पे विन कर जाएगा। सेम सिमिलर गेम है, कोई कंसेप्ट यहाँ पे अलग नहीं है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे आपको शॉप देखने को मिलती है जहाँ से आप अपने आर्मर, वेपन, ब्लॉक्स वगैरह जो भी आप चाहो यहाँ से परचेस कर सकते हो। और आपको अपने एग को यहाँ से प्रोटेक्ट करना होता है और अपने अपोनेंट को वहाँ से किल करके या फिर बच बच के आपको उनके एग को वहाँ से तोड़ना होता है। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर गेम है यार, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सिमिलर ही है, कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें इस गेम की ग्राफिक्स की, तो आप यहाँ पे यार देख सकते हो ग्राफिक्स भी यार ज़्यादा ख़राब नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक्स भी काफ़ी ठीक ठाक ग्राफिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आपको यार माइनक्राफ्ट की इसमें फील तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो भी यार सिमिलर है बिल्कुल माइनक्राफ्ट के बैड वॉर्स की तरह। तो आप चाहते हो यार इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर और काफ़ी कमाल की गेम है। यहाँ पर आप यार मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी और ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर अपनी स्किन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो यार काफ़ी सिमिलर गेम है और काफ़ी कमाल की गेम है। तो गाइस यार आपको ये गेम कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, काफ़ी सिमिलर और काफ़ी कमाल की गेम है यार। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इनमें से आपको यार कौन सी गेम सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।